सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन संपन्न कराया गया, जिसमें 32 जोड़े आयोजन का हिस्सा बने और मुख्यमंत्री की मंशा को आम लिजामा पहनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम आपको बता दें कि सरकार प्रदेश भर में समाज में फैली कुरोतियों को दूर करके समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के नाम पर विवाह सम्मेलन का आयोजन करती आ रही है। इसी को लेकर खरगोन के अंजुमन नगर में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत हेला मुस्लिम विकास कमेटी द्वारा सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें समाज के 32 जोड़े आयोजन का हिस्सा बने और निकाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। नाते क्या कहना चाहेंगे सर? जिला मुस्लिम समाज का जो सामूहिक निकाह कार्यक्रम आयोजित आज किया है, बहुत अच्छा अरेंज किया है उन्होंने, और लगभग जो इन्होंने 30 जोड़ों का सामूहिक निकाह किया जा रहा है इनकी तरफ, और यहाँ आकर इनका जो मैनेजमेंट है और इंतजाम बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत वर वधु को क्या लाभ दिया जाएगा? मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना है और ये ऐसे गरीब और जो ज़रूरतमंद माता पिता होते हैं, जो घर से विवाह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। इसमें कन्या को 48,000 रुपये उसके खाते में जमा किए जाते हैं और 3,000 रुपये आयोजन समिति को आयोजन के लिए दिए जाते हैं। कुल 51,000 रुपये के राशि बताई गई है। मैं जिला समाज विकास कमेटी के द्वारा आज जो इज्तमी शादी का आयोजन किया गया, ये आज पहली बार नहीं, कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं उस कमेटी के सदर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार हर साल आयोजन करते हैं, और इस आयोजन में जो लोग शामिल होते हैं ऐसे खुशी खुशी जाते हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि हम अगर घर से शादी करते निकाह करते तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती जितनी हेला विकास समिति के द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं की जाती है। पूरे वर्षों से एक परंपरा है, विकास समिति यहाँ कार्यक्रम करती है, और मैं उस कमेटी के तमाम मेंबरों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, जो समाज हित के लिए खरगोन शहर में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। समाज सेवी और कमेटी के सदस्य द्वारा बच्चियों को उपहार स्वरूप राशि भी दी जा रही है, और सरकार द्वारा क्या योजना दी जाएगी? सरकार द्वारा शासन की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ तो हम ले रहे हैं, लेकिन जो समाज सेवी और समाज को मानने वाले लोग हैं, जो बच्चे बच्चों को दहेज के रूप में दे रहे हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, वो देते रहे, प्रोत्साहन होते रहना चाहिए, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।